हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह. वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल बी टू जेड एफ. आज ये है प्रैक्टिस सेट नंबर टू. इसके पहले एक सेट एक क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिएगा. उसके आगे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्लास. और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आप होम साइंस से रिलेटेड नेट JRF TGD PGT या फिर किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपको उसमें भी हेल्प करेंगे. इस टाइम जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फूड साइंस. और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और फ्रेंड अपने जो ये वीडियो है जो क्लास है ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. उसके बाद अगर आपको क्लास जो है अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल पा रही है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सारे क्लासेस के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे. और ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे. और अगर आपको टाइम टू टाइम क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि द वॉटर सोल्यूबल विटामिन थायमीन स्टेबल टू हीट इन. जो वॉटर सोल्यूबल विटामिन है थायमीन, थायमीन क्या है? B1. जो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है थायमिन, जो कि हीट में स्टेबल नहीं होता है. अगर इसको बहुत ज्यादा हम हीट देंगे इस पे, बहुत ज्यादा हीट कंडीशन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट एक कंडीशन है जिसमें ये थायमिन जो है हीट में डिस्ट्रॉय नहीं होता है या हीट में खराब नहीं होता है, तो वो क्या है? एसिडिक मीडियम. जब एसिडिक मीडियम में हम थायमिन को गर्म करेंगे या इस पे हम हीट अप्लाई करेंगे तब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा. तो ये हीट में स्टेबल रहता है, लेकिन कब? जब ये एसिडिक मीडियम होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज 80 to 85% प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ एंड द रिमेनिंग इज इन टिश्यू एंड फ्लूइड. मींस ऐसा कौन सा मिनरल है जो 80 से 85% हमारी बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है और बाकी जो बचा 20 से 15% ये हमारे किसमें? टिश्यू में प्रेजेंट होता है या सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है या इंट्रा सेलुलर फ्लूड है, इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? फास्फोरस, सोडियम, जिंक एंड आयोडीन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है ये हमारी बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है. उसके बाद जो 20 से 15% बचता है ये हमारे जो सेल में जो फ्लूड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूड, इसमें पाया जाता है. तो ये होता है फास्फोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट रीचेस द थायराइड ग्लैंड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड. थायराइड ग्लैंड इसमें किसका यूज होता है? आयोडीन का. तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन. जो आयोडीन है ये हमारे जब थायराइड ग्लैंड में पहुंचती है, यहां से एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होती है, तब ये अपना काम करती है. तो ये क्या हो जाएगा? आयोडीन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. 70% ऑफ इट इज प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इट. लगभग इसमें से कौन सा मिनरल है जो 70% हमारी बोन और टीथ में प्रेजेंट होता है और जिसका काम होता है क्या? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ऐसे तो अगर हम टीथ और बोन की बात करें तो उसमें कैल्शियम होता है, अभी हमने पढ़ा फॉस्फोरस होता है. अब और कौन सा मिनरल है जो हमारे बोन और टीथ में प्रेजेंट होता है लेकिन उसका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करना. वो होता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है ये हमारे टीथ और बोन में पाया जाता है और इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या मजबूती प्रोवाइड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5. इट इज फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, बाइल एंड इंसुलिन हार्मोन. कुछ हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं लाइक सलाइवा हो गया, बाइल जूस हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, इनमें ये मिनरल पाया जाता है. तो ये कौन सा मिनरल है? ऑप्शंस क्या है? सोडियम, फ्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम. तो जो सलाइवा, बाइल और इंसुलिन हार्मोन में पाया जाने वाला जो मिनरल है वो है सल्फर. तो ऑप्शन जो सी है ये सल्फर सही हो जाएगा. यहाँ पे ये है फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की वजह से अगर फ्लोरीन इंक्रीज हो रहा है हमारे डाइट में
या डिक्रीज हो रहा है, मीन्स अगर हम जो भी हम ले रहे हैं फ्लोरीन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो इससे एक डिजीज हो जाती है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस किसमें होती है ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो फ्लोरीन की जो एफिशिएंसी या डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है, मीन्स फ्लोरीन अगर ज्यादा हो रहा है तब भी डिजीज कॉज होगी, फ्लोरीन अगर कम हो रहा है तब भी डिजीज कॉज होगी, वो होती है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस डिजीज जो है वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इट कंबाइंस विद आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। कौन सा मिनरल है जो आयरन के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है? ऑप्शंस क्या है? सोडियम, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम। तो आयरन के साथ कॉपर जब कंबाइन होता है हमारी बॉडी में जाके, तब ये हीमोग्लोबिन बनाता है। तो बी ऑप्शन क्या है? कॉपर, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। वेजिटेरियन कंज्यूम्स वेरी लेस और नो B12 टू प्रोड्यूस B12 इन द स्टमक एंड ह्यूमन दिस मेटल इज रिक्वायर्ड। B12 को हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालामाइन। ये कई टाइप से पूछा जाता है कि B12 का नाम क्या है, तो उसका नाम है साइनोकोबालामाइन। ये भी पूछ लेते हैं कि B12 एक ऐसी विटामिन है जिसमें एक मेटल पाया जाता है, वो क्या है? कोबाल्ट। अगर जो वेजिटेरियन है, ये स्पेशली क्या एनिमल विटामिन है, जो एनिमल फूड होते हैं इनमें पाया जाता है ये कोबाल्ट। वेजिटेरियन डाइट में ये बहुत कम पाया जाता है या बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। तो जो वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं उनको कौन सा मेटल रिक्वायर होता है? तो वो हो जाता है कोबाल्ट, क्योंकि B12 साइनोकोबालामाइन जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो B12 को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल रिक्वायर्ड होता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। पारबॉइल्ड राइस कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ। पारबॉइल्ड राइस क्या होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पारबॉइल्ड राइस जो है वो कंटेन करता है सफिशियंट अमाउंट ऑफ, क्या होता है वो, उसमें थायमीन। जो पारबॉइल्ड राइस होता है इसमें सफिशियंट अमाउंट में थायमीन पाया जाता है, थायमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द काज ऑफ पारबॉइलिंग द विटामिन। पारबॉइलिंग क्या होता है? जब जो हमारा राइस है, पैडी वाला राइस जिसके ऊपर ब्रान लगा हुआ है, लेयर्स लगी हुई है, उसको जब हम स्टीम करते हैं या हम वाटर में जब इनको हम सोक करते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा जो ब्रान है, ब्रान के और राइस के बीच में एक लेयर होती है, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब इसको हम पारबॉइल करते हैं, मीन्स हम जब इसको, जो हमारा ये राइस है पैडी वाला राइस, इसको जब हम स्टीम करते हैं, तो ये सारे मिनरल जो है स्टीप होके ग्रेन के अंदर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं पारबॉइलिंग। तो ड्यूरिंग द कॉज ऑफ पारबॉइलिंग द विटामिन सीप्स इन टू द इनर पोर्शन ऑफ द ग्रेन। जो जितने भी विटामिन हमारे ऊपर छिलके में या छिलके के नीचे प्रेजेंट थे, वो सारे विटामिन सीप होके हमारे ग्रेन में आ जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है पारबॉइलिंग का। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि पारबॉइल्ड राइस क्या कंटेन करता है, तो थायमीन। और जो थायमीन होता है ये ऊपर लेयर, जो हमारा ये छिलका होता है, छिलके में होती है, जब इसको हम पारबॉइलिंग करते हैं तो ये छिलके में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब वीट राइस में आ जाते हैं, जिससे पारबॉइलिंग में क्या, हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। रागी इज रिच सोर्स ऑफ। रागी रिच सोर्स किसका है? तो रागी कैल्शियम का रिच सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वाटर इज एडेड टू वीट फ्लोर ग्लाइडिन एंड ग्लूटेलिन कंबाइंस एंड फॉर्म। जब हम वीट फ्लोर में पानी मिलाते हैं तब उसमें जो ग्लाइडिन है और ग्लूटेलिन है ये कंबाइन करके एक प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लूटिन। और ग्लूटिन जो है, ग्लूटिन की वजह से ही रोटी जो है वो सॉफ्ट बनती है। तो जब हम वीट फ्लोर में वाटर मिलाते हैं तो उससे जो ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन मिलके ग्लूटेन बनाते हैं, और ग्लूटेन क्या है, ये एक प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट रहता है, रोटी जो है वो सॉफ्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइटेट प्रेजेंट इन सीरियल द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो हम सीरियल्स लेते हैं उनमें फाइटेट प्रेजेंट होता है। फाइटेट हमारे आयरन के अब्सॉर्प्शन को क्या करता है? ऑप्शंस क्या है? न्यूट्रलाइज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ऑल ऑफ दिस।
तो हमने पढ़ा है कि जो फाइटेट है ये हमारे डाइट में आयरन के जो अब्जॉर्प्शन है, आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। फाइटेट जो है आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो हमारे डाइट में ऐसा कौन सी चीज है जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? तो क्वेश्चन अभी आपके पास दो हो गए। एक तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इफिशियंसी और डिफिशियंसी दोनों की वजह से एक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। तो ये हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है ये बताना है आपको। दूसरा है आयरन। आयरन का अगर एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ाना है तो हमें आयरन के साथ क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। द वर्ड सीरियल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड सीरस विच मीन्स। जो ये सीरियल है वर्ड, ये एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसको हम कहते हैं सीरस, इससे बनाया गया है। और सीरस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सरप्लस, रोमन गॉडेस ऑफ ग्रीन ग्रेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन एन ऑफ दिस। तो सीरस का जो मतलब है वो होता है रोमन गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जर्मिनेटेड वीट इज अ चीफ सोर्स ऑफ। जर्मिनेटेड वीट, वीट को जब हम जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन के, बोथ ए एंड बी या ओनली बी। जब हम वीट को जर्मिनेट करते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है इंप्रूव हो जाती है। तो उसमें कौन सी विटामिन बढ़ जाती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। विटामिन सी और विटामिन के दोनों विटामिन इंप्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 15। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइस ब्रान इज रिच इन। जो ऑयल हम राइस ब्रान से निकालते हैं तो ये किसमें रिच होता है? तो जो ऑयल हम राइस ब्रान से निकालते हैं ये विटामिन ई में रिच होता है। ऑप्शन नंबर जो बी इसका है ये सही हो जाएगा। अभी हम आगे, और अभी 15 क्वेश्चन कवर हुए, अभी आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट कवर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दो क्वेश्चन है आपके पास। फ्लोरीन, फ्लोरीन की एफिशिएंसी या डिफिशियंसी से फ्लोरोसिस होती है, डिजीज जो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम आयरन के अब्जॉर्प्शन को हमें बढ़ाना है तो हमें अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना होगा जो हमारे बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। होल मेज इज अ गुड सोर्स ऑफ। होल मेज, मेज मीन्स मक्का। जो मक्का है ये गुड सोर्स होता है किस चीज का? अच्छा सोर्स होता है। ऑप्शंस क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, थायमिन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो होल मेज है, मक्का जो है, वो पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, थायमिन, इन सब का अच्छा सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 17। पेलेग्रा वॉज वाइडली प्रिवेलेंट एमंग। पेलेग्रा मोस्टली किसमें पाया जाता है? पेलेग्रा होता किसकी कमी से है? तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? जो कॉर्न है, कॉर्न में क्या? नियासिन नहीं पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, थायमिन, ये सारी विटामिन पाई जाती हैं कॉर्न में, लेकिन नियासिन नहीं पाया जाता है। और पेलेग्रा होता है नियासिन की कमी से। तो ऐसी पॉपुलेशन जो ज्यादातर कॉर्न खाती है तो उनको पेलेग्रा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो कॉर्न ईटर हैं, जिनका स्टेपल डाइट कॉर्न है, जो कॉर्न पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनमें पेलेग्रा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओट्स। ओट्स इज मोस्टली ओट्स जो है मोस्टली क्या है? ऑप्शन क्या है? ब्रेकफास्ट सीरियल, टॉडलर डाइट, इनवैलिड डाइट, नन ऑफ दीज। तो ओट्स को हम मोस्टली किसमें खाते हैं? ब्रेकफास्ट सीरियल। तो ओट्स जो है ये ब्रेकफास्ट सीरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ओट्स ब्रेकफास्ट सीरियल के, क्योंकि ओट्स जो है ये प्रोटीन रिच होता है, फाइबर में रिच होता है, साथ साथ इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जब ये प्रोटीन और फाइबर में रिच है तो उससे क्या होगा? हमें देर तक सेटाइटी फील होगी, हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी, और प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म तक एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए ओट्स को क्या हम ब्रेकफास्ट सीरियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। लेग्यूम प्रोटीन्स आर
गुड सोर्स ऑफ लेग्यूम मीन्स दाल में जो प्रोटीन होती है उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शंस क्या है? लाइसिन, थ्रियोनिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो जो लेग्यूम है, जो दालें हैं, दालों में लाइसिन और थ्रियोनिन दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। द ब्रान, जर्म एंड द इंडोस्पर्म आर द थ्री पार्ट्स ऑफ, जो ब्रान है, जर्म है, इंडोस्पर्म है, ये तीन पार्ट है, किस चीज के तीन पार्ट हैं? ऑप्शंस क्या हैं? फ्रूट्स, कर्नेल ऑफ सीरियल ग्रेन, वेजिटेबल या नन ऑफ दिस। तो ब्रान, जर्म, इंडोस्पर्म ये ग्रेन के पार्ट हैं, तो कर्नेल ऑफ सीरियल ग्रेन, बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेग्यूम्स ऑफ लथायरस फैमिली कंटेन टॉक्सिक फैक्टर विच कॉजेज द डिजीज। जो लथायरस फैमिली की दाल है इनमें एक टॉक्सिक होता है जिनकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेथरिज्म। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। और लेथरिज्म किससे होता है? लथायरस सेटाइवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड रिसर्च लैब एट कन्नूर इन द साउथ कंडक्टेड द लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। कन्नूर में, साउथ में जो फूड रिसर्च लैब है उसमें मोस्टली किस चीज पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं? तो वो हो गया है क्या? सोयाबीन। तो साउथ में मोस्टली जो फूड रिसर्च लैब है कन्नूर में, इस पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो मोस्टली सोयाबीन पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोयाबीन ग्रोज वेल इन, साउथ में क्या है? हॉट क्लाइमेट होती है, तो सिंपल सी बात है, सोयाबीन कौन सी क्लाइमेट में ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा? तो वो हॉट क्लाइमेट में सोयाबीन जो है ये अच्छा ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोयाबीन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट इज। जो सोयाबीन है ये डायबिटिक पेशेंट की डाइट में प्रिस्क्राइब किया जाता है, और वो क्यों किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? हाई इन प्रोटीन, लेस विटामिन ई, लो इन स्टार्च, हाई इन मिनरल। सोयाबीन प्रोटीन में भी हाई होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे वेट गेन की या मसल्स डेवलपमेंट की, तब हम यहाँ पे टिक करेंगे हाई इन प्रोटीन। बट यहाँ पे अभी बात क्या किया गया है? डायबिटिक पेशेंट की। डायबिटिक पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए? लो इन कार्ब्स, लो इन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लो इन स्टार्च। जो सोयाबीन है ये स्टार्च में लो होता है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट की डाइट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन वीट इज कन्वर्टेड इन मैदा इज लॉस्ट। जब हम गेहूं को मैदा में कन्वर्ट करते हैं तो इनमें से क्या लॉस हो जाता है? ऑप्शंस क्या है? थायमिन, फॉस्फोरस, प्रोटीन एंड फैट। एक तो क्या है? थायमिन लॉस हो जाता है, दूसरा क्या? फैट लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही कर दो ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 1 और 4। जब हम वीट को मैदा में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थायमिन और फैट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। जर्मिनेटेड वीट हैज इनहेंस्ड। जब हम वीट को जर्मिनेट करते हैं तो उसमें क्या इनहेंस हो जाता है? अब हम बात करें वीट की या हम बात करें पल्सेस की, कोई अगर वीट पल्स दोनों में से हम किसी को भी जर्मिनेट कर रहे हैं तो जर्मिनेशन में क्या होता है? हमारा विटामिन बी इंप्रूव होता है, विटामिन सी इंप्रूव होता है, फॉलिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम जर्मिनेट कर रहे हैं वीट को तो इसमें क्या बढ़ेगा? विटामिन सी बढ़ेगा और विटामिन बी बढ़ेगा। तो ऑप्शंस क्या है? 1 और 4 सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये थायमिन एंड फॉस्फोरस ये सही है, ये प्रोटीन और फैट ये अभी जो हमने ऑप्शन कलेक्ट बी वाला था ये 1 और 2, तो ये आंसर सही है। जब वीट को हम जब मैदा में कन्वर्ट करेंगे तो लॉस्ट क्या हो जाएगा? थायमिन और फॉस्फोरस लॉस हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो 1 और 2 थायमिन और फॉस्फोरस का लॉस हो जाता है जब हम वीट को मैदा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम वीट को जर्मिनेट करते हैं तो इंप्रूव क्या होता है, इनहेंस क्या होता है? तो विटामिन सी और विटामिन बी इनहेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, जो ये अरवा राइस डी हस्क्ड इन द हाउस इज देन पॉलिश राइस, जो राइस घर में डी हस्क किया जाता है वो पॉलिश राइस से क्यों अच्छा होता है ये बताना है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, टेस्टी, लेस न्यूट्रिटिव या मोर न्यूट्रिटिव। तो हमने अभी पढ़ा कि जो राइस की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें क्या विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और जब हम पॉलिश करेंगे तो उसकी ऊपर वाली लेयर हट जाएगी, जब उसकी ऊपर वाली लेयर हट जाएगी तो विटामिन और मिनरल्स रिमूव हो जाएंगे। तो इसीलिए जो राइस घर में डीहस्क किया गया है उसको पॉलिश नहीं किया गया है तो वो मोर न्यूट्रिटिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव नहीं हुई, तो उसमें जो भी मिनरल्स प्रेजेंट थे, विटामिन प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो घर वाला, जो घर में जो राइस डीहस्क किया जाता है ये मोर न्यूट्रिटिव होता है, ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है पॉलिश राइस की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, कॉर्न फ्लोर इज एडेड टू मेक इट थिक। तो कॉर्नफ्लोर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को थिक करना। तो कॉर्नफ्लोर को हम किसमें ऐड करते हैं, ऑप्शंस क्या है, ग्रेवी, मिल्क, सूप, नन ऑफ दिस। तो कॉर्नफ्लोर जो है मेनली वो सूप में ऐड किया जाता है, तो मेक से सूप थिक, सूप को थिक बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, कॉर्न हैज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। कॉर्न में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन प्रोटीन। जो कॉर्न में जो प्रोटीन होती है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। जो वीट में जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्लूटेन कहते हैं। जो हार्डेन प्रोटीन है ये बाजरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार्ले हैज ग्लूटेन, बार्ले में ग्लूटेन होता है या नहीं होता है। तो बार्ले में जो ग्लूटेन है वो बहुत कम होता है, और ग्लूटेन मेनली प्रोटीन किसकी है, वीट की प्रोटीन है, और ग्लूटेन की वजह से ही जो रोटी है वो सॉफ्ट बनती है, फ्लेक्सिबल होती है। बार्ले में ग्लूटेन नहीं होता है, इसीलिए बार्ले का अगर आटा बना के रोटी बना रहे तो उससे रोटी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन आपके पास दो है, फ्लोरीन की कमी या अधिकता से एक डिजीज होती है उसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है या कौन से पार्ट में होती है ये बताना है आपको। उसके बाद अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो हमें डाइट में क्या ऐड करना होगा जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग आज सॉल्व करें हैं 30 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय।